नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त नुस्खा बताने जा रही हूँ। दोस्तों, इस नुस्खे की मदद से आप अपने चेहरे को बहुत गोरा बना सकती हैं। आपके चेहरे पर इस नुस्खे की मदद से इंस्टेंट ग्लो आएगा और आपकी स्किन ब्राइट दिखेगी। दोस्तों, इस नुस्खे की मदद से आपके डार्क स्पॉट भी हटेंगे और आपका चेहरा गोरा बनेगा। इस नुस्खे को कैसे बनाया जाता है ये जानने के लिए मेरी वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। इस नुस्खे की मदद से आपके चेहरे से सनबर्न हटेगा और आपका चेहरा गोरा दिखने लगेगा। तो दोस्तों, जानते हैं कि इस नुस्खे को कैसे बनाया जाता है। जानने से पहले, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक खाली कटोरी। दोस्तों, खाली कटोरी में हम लेंगे सबसे पहले मेंस फेयर लवली। दोस्तों, ये फेयर लवली आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, इसकी मदद से हमारी स्किन स्मूथ बनती है और हमारी स्किन पर शाइनिंग आती है। दोस्तों, लगभग एक चम्मच के बराबर हम इसमें फेयर लवली ले लेंगे। हमने एक चम्मच फेयर लवली ले ली है। अब हम इसमें लेंगे एक चम्मच टमाटर का रस। दोस्तों, टमाटर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे चेहरे के अंदर जाकर हमारे चेहरे को साफ करता है और हमारे रंग को निखारता है। दोस्तों, इसकी मदद से हमारे चेहरे से ब्लैक हेड्स हट जाते हैं और हमारा चेहरा सुंदर दिखता है। दोस्तों, इस तरीके से हम इसमें लेंगे एक चम्मच टमाटर का रस। अब हम इसमें सबसे लास्ट में हम मिलाएंगे विटामिन ई कैप्सूल। दोस्तों, विटामिन ई कैप्सूल हमारे चेहरे पर शाइनिंग लाने में मदद करता है। ये हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाने में काफी मदद करता है। हम पिन की मदद से इसे खोल लेंगे और इस तरीके से इसका ऑयल लेंगे। दोस्तों, अब हम इन तीनों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, ये नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। उंगली की मदद से कुछ इस तरीके से लेकर आप इस नुस्खे को अपने चेहरे पर इस तरीके से लगा लीजिए। इस तरीके से लगाने के बाद आप इस नुस्खे को कम से कम आधे घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद जब ये नुस्खा सूख जाए तो साफ ठंडे पानी की मदद से आप इस नुस्खे को धो लीजिए। इस नुस्खे को धोने के बाद आप अपने चेहरे पर एक अच्छा मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लीजिए। दोस्तों, आप इस नुस्खे का उपयोग हफ्ते में 3 बार ज़रूर करें। आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसकी मदद से आपके चेहरे के कील मुहासे दाग धब्बे हट जाएंगे और आपके चेहरे पर एक अच्छा निखार आएगा। आपका चेहरा अंदर से साफ होगा, आपके चेहरे के रोम छिद्र खुल जाएंगे और आपके चेहरे पर एक अच्छा निखार आएगा। दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही कारगर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।